Hi guys, welcome to SuperQuickRevision. So now we all have finished everything till external pricing. अपना जो next topic है आज का, that is all about the learning curve. Surprising new modules के अंदर there is a chapter also called as learning curve. लेकिन उसके ऊपर जो sums हैं, बहुत सारे questions के अंदर हैं. So just trying to do basics of learning curve with any other adjustment जो शायद हम लोगों ने सीखा हो क्लासरूम के अंदर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्लीज. ओके, सो वी आर टॉकिंग टुडे ओनली अबाउट लर्निंग कर्व. तो सुनिए, नाउ लर्निंग कर्व इज अ कंसेप्ट दैट अप्लाइज टू लेबर कॉस्ट एंड एनी अदर कॉस्ट विच इज डिपेंडेंट अपॉन आवर्स ऑफ लेबर. जब भी वर्कर काम करता रहता है, धीरे धीरे ही लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स एंड धीरे धीरे ही ट्राइज टू डू अ जॉब फास्टर. तो हर नेक्स्ट यूनिट के लिए पिछले यूनिट से कम टाइम लगता है. तो लेबर इस चैप्टर के लिए डायरेक्ट लेबर नहीं है. हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते 1 यूनिट के लिए 2 आवर्स तो 100 यूनिट्स के लिए 200 आवर्स. नहीं, क्योंकि एक यूनिट बनाने के बाद बंदा सीख गया होगा यूनिट कैसे बनाने का. तो ही विल लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, ही विल ट्राई टू डू द जॉब फास्टर और हर नेक्स्ट यूनिट को पिछले यूनिट से कम टाइम लगेगा. दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट लेबर. दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट लर्निंग कर्व. ठीक है, लर्निंग कर्व को आप लोग टाइम कर्व भी बोल सकते हो. अब ये वाला थ्योरी जिस बंदे ने बनाया था, उस बंदे ने क्या बोला, हम लोग इस थ्योरी को ऐसे अप्लाई करेगा. कैसे अप्लाई करेगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू आई एम ट्राइंग टू डू दैट. तो सबसे पहले यूनिट्स, आप लोग उसको क्यूमुलेटिव यूनिट्स भी बोल सकते हो. दूसरा एवरेज आवर्स. थर्ड इन दिस केस टोटल आवर्स. इसका सिंबल x, इसका सिंबल y, इसका सिंबल ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके टोटल आवर्स आ जाएगा. तो अलग से कोई सिंबल की जरूरत नहीं, उसका सिंबल x y हो जाएगा. अभी अगर आपको ये वाला थियरी कभी भी परफेक्टली अप्लाई करने का है तो याद रखना आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है. एक है कि लर्निंग कर्व का परसेंटेज कितना है. सपोज लर्निंग कर्व का परसेंटेज आप लोगों को 80% दे के रखा हुआ है. ठीक है, ये वाला परसेंटेज आपको क्वेश्चन के अंदर दे देंगे. सेकेंड, आपको ये बताएंगे हर यूनिट के लिए कितना आवर्स लगता है. उसके अंदर भी एक्चुअली आपको हर यूनिट के लिए नहीं बताएंगे, सिर्फ फर्स्ट यूनिट के लिए बताएंगे. फर्स्ट यूनिट के लिए कितना आवर्स लगता है, उस चीज़ का सिंबल ए हो जाएगा. उस चीज़ का सिंबल क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा. ठीक है, तो सुनो, फर्स्ट यूनिट के लिए 100 आवर्स लगता है. ये आपके पास होना ही चाहिए, क्वेश्चन के अंदर दिया ही होना चाहिए. तो 1 यूनिट के लिए टोटलिटी के अंदर भी 100 आवर्स ही लगता है. अभी ये वाला थियरी कैसे काम करता है, whenever the units will double apply learning curve. मतलब अगर 1 यूनिट था, अगर आप 2 यूनिट्स तक जाते हो तो 2 यूनिट्स के अंदर एवरेज आवर्स कितना लगेगा, इट विल बी दिस इंटू 80%. सो दिस इंटू 80% मतलब कितना आवर्स लग जाएगा, 80 आवर्स. याद रखना 80 आर एवरेज आवर्स. 80 का मतलब ये नहीं सोचने का, फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट टेक 80 आवर्स ईच. 2 यूनिट्स ऑन एन एवरेज टेक 80 आवर्स ईच. ये दोनों लाइंस के अंदर बहुत फर्क है. तो अगर कोई मेरे को पूछता है सर 2 यूनिट्स के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, तो मैं बोलेगा 2 यूनिट्स इंटू 80. यहाँ पर कितना आ जाएगा, 160. इसके अंदर भी याद रखना फर्स्ट यूनिट के लिए अभी भी कितना आवर्स लगेगा, 100. लेकिन सेकेंड यूनिट के लिए कितना आवर्स लग जाएगा, 60. 60 कैसे आया, 160 माइनस 100. लर्निंग कर्व का एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ. Whenever the units will double, average hours will be subjected to learning curve. तो चलो ठीक है, 2 का डबल 4, 80 into 80% तो कितना आ जाएगा, 64. 64 into 4 कितना आ जाएगा, 256. ये 64 का मतलब क्या है, on an average 4 units take. On an average 4 units take 64 hours each. उसका मतलब ये नहीं होता हर यूनिट विल टेक 256, सॉरी हर यूनिट विल टेक 64 आवर्स. नो, फर्स्ट यूनिट विल स्टिल टेक 100 आवर्स, सेकेंड यूनिट विल स्टिल टेक 60 आवर्स. थर्ड एंड फोर्थ यूनिट अगर कोई तुमको पूछता टोटली थर्ड और फोर्थ यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा, तो तुम लोग क्या कर सकते थे, 256 माइनस 160. इंडिविजुअली अभी तक नहीं मालूम, 2 मिनट के बाद पता चल जाएगा. अगेन द सेम थिंग, व्हेनेवर द यूनिट्स विल डबल अप्लाई लर्निंग कर्व. तो मैं कैलसी यूज करता हूँ. याद रखना लर्निंग कर्व हैज टू बी अप्लाई टू एवरेज आवर्स. इट हैज टू बी अप्लाई टू एवरेज आवर्स. सो देयरफॉर 64 इंटू 80%, ये वाला जो फिगर है कितना आ जाएगा 51.2, 51.2 इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा 409.6. ये 409.6 का मतलब क्या होता है 8 यूनिट्स इन ऑल विल टेक 409.6 आवर्स. अगर आपको पूछा जाता 5th, 6th, 7th एंड 8th यूनिट इन ऑल विल टेक कितना आवर्स, तो तुम लोग क्या बोल देते 409.6 माइनस 256, वो जो भी आंसर आए. एंड फॉर द लास्ट टाइम 51.2 का मतलब ये नहीं होता ईच ऑफ द फर्स्ट 8 यूनिट्स टेक 51.2 आवर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. फर्स्ट यूनिट विल स्टिल टेक 100 आवर्स, सेकेंड यूनिट विल स्टिल टेक 60 आवर्स, धीरे 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 आवर्स विल फॉल. ये तो बस एक एवरेज की स्टोरी है, ठीक है. तो सुनो, ये जो मैंने अभी अभी रेड के अंदर लिखा, ये वाला टेबल आप लोग कंप्लीट कर सकते हो विदाउट नोइंग लॉग टेबल्स ऑल्सो. तो क्या क्या हो सकता है 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ये सब चीजें तो थियरी के अंदर ही आ जाता है. वेन एवर द यूनिट्स विल डबल अप्लाई लर्निंग कर्व परसेंटेज टू एवरेज आवर्स, ठीक है. लेकिन बाकी के लिए क्या करोगे फिर सर? बाकी के लिए अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. अगर आपको 3 यूनिट्स के लिए एवरेज आवर्स चाहिए तो आप अपना फॉर्मूला यूज कर लो. फॉर्मूला यूज कर लो मतलब आपको y चाहिए. y जो है कैसे मिलेगा ax रेज टू b, वो मैंने इधर लिख के भी रखा हुआ है ax रेज टू b. अच्छा, y आपको चाहिए, ठीक है. तो आपको लेफ्ट हैंड साइड चाहिए तो आप राइट हैंड साइड सॉल्व करो. फिर a कितना है, a मतलब आर्स फॉर द फर्स्ट यूनिट तो 100. x मतलब आपको y का वैल्यू चाहिए व्हेन x इज इक्वल टू 3, सो देयरफॉर 3 रेज टू दी पावर b. b कैसे आता है? इट इज log ऑफ लर्निंग कर्व डिवाइडेड बाय क्या है बेटा log 2. एग्जाम्पल 100 इंटू 3 रेज टू लॉग ऑफ लर्निंग कर्व मतलब मेरा लर्निंग कर्व 80% है ना, सो log ऑफ 0.8 डिवाइडेड बाय इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा log 2. आप लोग इसको सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिकली तुम लोग को ये वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है. वो कैसे सॉल्व करने का आफ्टर सम टाइम आई विल कम बैक टू लॉग टेबल्स, ठीक. या ये एक फॉर्मूला है, आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर लोगे तो तुमको ये वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है. अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना और अगर आपको यही वाला चीज चाहिए तो तो एक्स वाई का फॉर्मूला यूज कर लो. मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एक नया फॉर्मूला आ जाता है xy = ax रेज टू b + 1. अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे तो आपको ये वाला चीज मिल जाएगा. तो अगर कोई भी चीज सीरीज के अंदर नहीं है उसके लिए आप लोग फॉर्मूला यूज करना, उसके अंदर भी आपकी मर्जी. अगर आपको एवरेज आवर्स चाहिए तो आप y वाला फॉर्मूला यूज करो, अगर आपको टोटल आवर्स चाहिए तो आप xy वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है. तो मैंने जरा देखो इसके बाद क्या लिखा है, when not to use the formula when things are in series. things are in series मतलब 1, 2, 4, 8 जब भी चीजें डबल होती हैं, ओके. कई बार इस चीज को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं. सपोज आप लोगों ने एक बार ये वाला आंसर निकाल लिया 3 वाला, ठीक है, तो फिर 6 वाले के लिए आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 3 का डबल 6 हो जाता है. तो दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी सब्जेक्टेड टू 80%, ओके. तो फिर आपको लॉग टेबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट 6 वाले के लिए. 3 वाले के लिए तो पहले जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है. When not to use the formula when things are in series 1, 2, 4, 8 blah blah blah. When to use the formula when things are not in series. तो 3 यूनिट्स के लिए, 5 यूनिट्स के लिए, ऐसी सब चीज़ों के लिए बेटा आपको लॉग टेबल्स का ज़रूरत पड़ जाएगा फिर, ठीक है. तो मैंने वहाँ पर यही वाला चीज़ इनफैक्ट लिख के भी रखा हुआ है. तो अगर वो देखोगे तो अगर आपको ये वाला चीज़ चाहिए यूज़ द फार्मूला, यूज़ द फार्मूला, ये वाली सारी की सारी चीज़ें चाहिए यूज़ द फार्मूला. हाँ, एक एक्सेप्शन एज ए टोल्ड, अगर आपके पास 3 वाला डेटा है शायद 6 वाला डेटा डायरेक्टली मिल जाएगा क्योंकि आपको इसको इंटू 80% ही करना होगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है. आगे ये वाले फॉर्मूला y = ax रेज टू b मल्टीप्लाई LHS एंड RHS बाई x, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है. y का मतलब एवरेज आर्स, अगर कभी आर्स है तो सब कुछ आर्स के अंदर सॉल्व कर लो वरना कॉस्ट के अंदर सॉल्व कर लो, और कॉस्ट पर यूनिट फॉर x यूनिट्स. a R saw cost for the first unit, X number of units या cumulative units, B learning curve index, कैसे compute होता है, log of learning curve upon log 2, X, Y total R's और cost for X units. चलो ठीक है, आगे formula for production in batches. सुनो, कभी कभी ऐसा होता है, suppose हम लोग ना एक product बनाते हैं, ऐसे एक बार बन जाता है तो ना मैं उसको 9 pieces के अंदर काट देता हूँ और फिर मैं आगे उसको ट्रांसफर करता हूं. तो याद रखना जो बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है. तो लर्निंग कर्व विल अप्लाई फॉर दीज थिंग्स. तो मेरे इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, 9 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 1 बैच. दैट्स इट. 9 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 1 बैच. काम खत्म हो गया. और ये पूरा का पूरा सम अभी एक्सप्रेस कर लेने का इन टर्म्स ऑफ बैचेस. और अभी सम यूनिट्स के अंदर सॉल्व ही नहीं होगा, किसके अंदर सॉल्व हो जाएगा, बैचेस के अंदर. अगर ऐसा होता है सम क्लियरली आपको बोल देगा इन दोनों में से एक सेंटेंस, कंपनी डज द प्रोडक्शन इन बैचेस वेयर 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 बैच. दैट इज वन वे. अनदर वे सम आपको ये बोल देगा दैट लर्निंग कर्व स्टार्ट्स आफ्टर द कंपनी प्रोड्यूसेस द फर्स्ट 9 यूनिट्स. तो समझ आना 9 यूनिट्स तक कोई लर्निंग कर्व नहीं है, 9 यूनिट्स के बाद लर्निंग कर्व आ रहा है, मतलब 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 बैच. तो y का मतलब देखो बदल गया, एवरेज आर्स और कॉस्ट पर बैच फॉर x बैचेस. a का मतलब आर्स और कॉस्ट फॉर द फर्स्ट बैच, x का मतलब नंबर ऑफ बैचेस और क्यूमुलेटिव बैचेस, B का मतलब वही है जो पहले था, XY का मतलब टोटल आर्स और कॉस्ट फॉर द फर्स्ट बैच. ठीक है. सो नाउ दिस थिंग इज एवरीथिंग इन लर्निंग कर्व. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लर्निंग कर्व, डू ऑल्सो रिमेंबर दैट इन लर्निंग कर्व कैलकुलेशन ऑफ आर्स और कॉस्ट फॉर सम मिडल यूनिट्स इज नॉट पॉसिबल. ओनली वे टू फाइंड आउट टोटल आर्स और कॉस्ट फॉर दोज मिडल यूनिट्स इज टू फाइंड आउट टोटल आर्स फॉर द अपर लिमिट यूनिट्स एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम देयर The total hours for lower limit of units less one. उसका मतलब क्या, सपोज जरा ऐसे सोचो, कंपनी ने तुमको बोला हम लोगों ने 100 यूनिट्स बना लिया, बैचेस का कोई फंडा नहीं है, 100 यूनिट्स बना लिया, ठीक है. अभी हम लोग 5 यूनिट और बनाने वाला है, तो 100 यूनिट्स के बाद और कितने यूनिट्स बनेंगे, 5. और सामने तुमको ये बोला ये 5 यूनिट्स के लिए कितना आवर्स लगेगा ये बताओ. तो लर्निंग कर्व के अंदर याद रखना ये 5 यूनिट्स का कॉस्ट आप लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. तो फिर क्या करेंगे, एक मिनट, ये वाले यूनिट्स गिनती के अंदर कौन से यूनिट हैं, सर दिस इज द 101st यूनिट, 102nd यूनिट, 103rd यूनिट, 104th यूनिट, 105th यूनिट. ओके. तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट आवर्स फॉर दीज 5 यूनिट्स देयर इज ओनली वन मेथड. And that method is find out total hours for 105 units and उसके अंदर से subtract the total hours for this less one, मतलब subtract the total hours for 100 units. That is the only way this chapter work. तुम लोग बीच वाले units का directly hours या cost नहीं निकाल सकते. Find out the hours for the upper limit, subtract from their hours for the lower limit less one. Example, और कोई example. कंपनी ने 130 यूनिट्स बना लिया. एग्जाम्पल, कंपनी ने 130 यूनिट्स बना लिया. उसके बाद कंपनी सोचता है यार 20 यूनिट्स ना अभी और बनाएंगे, तो ये 20 यूनिट्स का आर्स निकाल के दो. तो ये 20 यूनिट्स का आर्स तुम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसके लिए एक ही मेथड है. क्या, जब ये 20 यूनिट्स बन जाएंगे टोटली कितने यूनिट्स हो जाएंगे, 150. सो फाइंड आउट total hours for 50 units and subtract from there total hours for 130 units. That is how you will be getting the answer for these 20 units. और उसके लिए भी क्या करने का, 150 यूनिट्स के लिए टोटल आवर्स का फॉर्मूला यूज कर लो, ax raised to b plus 1, जहां पे x का वैल्यू 150 होगा. एक और बार यही वाला फॉर्मूला यूज करो, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू 130 होगा. टोटल आर्स 150 यूनिट्स का मिल जाएगा, 130 यूनिट्स का मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये हो गया. अभी इस प्रोसेस के अंदर जरा याद रखना आपको मोस्टली तो लॉग टेबल्स का जरूरत पड़ जाएगा. मोस्टली लॉग टेबल्स का जरूरत तब नहीं पड़ेगा जब भी क्वेश्चन के अंदर लर्निंग कर्व के टेबल्स दिए रहेंगे. लर्निंग कर्व के टेबल्स आर वेरी सिंपल टू सी. अगर आ गया तो तुम्हारी किस्मत तो जाग गई इन योर. ओके, तो तब कोई पंगा नहीं है। पंगा तब आएगा जब भी आप लोगों को लर्निंग कर्व की टेबल्स नहीं दिए रहेंगे। नहीं दिए रहेंगे तो फिर तुमको लॉग टेबल्स दिए रहेंगे, वो आप यूज़ कर लो। लॉग टेबल्स बस एक दो चीज़ें बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग को याद आ जाए। कोई अगर बोलता है सी लॉग ऑफ 239 तो मैं काउंट करता हूँ 1, 2 और 3, कितने होल नंबर्स हैं 3, 3 माइनस 1, 2 पॉइंट, एंड सी द लॉग ऑफ 23 अगेंस्ट 9। तुम लोग लॉग टेबल्स देख सकते हो। फिर उसके बाद सी द लॉग ऑफ 3, 2, 6, 7, 8, 9, 8, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितना भी डिजिट्स होता है -1 6 पॉइंट, एंड सी द लॉग tables of the first 4 digits always 3, 2, 6। 6 के बाद 7 है, लेकिन 7 के बाद 8 है, तो मैं राउंड ऑफ करके इसको 8 कर दूंगा। तो आपको log देखना होगा किस नंबर का 3, 2, 6, 8। तो पहले 32 देखो, फिर 6 देखो, इंटरसेक्शन सेल का वैल्यू देखो, और फिर जो 8 का मीन डिफरेंस है इसके अंदर ऐड कर देना। ठीक है, आगे थर्ड, यहाँ पर 3.06788 कितने होल नंबर डिजिट्स हैं 1, 1 माइनस 1 तो 0, 0 पॉइंट। सी द लॉग ऑफ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, सी द लॉग ऑफ 3068, 3068। सो 30 के कॉलम के अंदर 6 और 8 का मीन डिफरेंस ऐड कर देना। ठीक है, आगे लॉग ऑफ 0.3, तो यहाँ पे एक भी होल नंबर डिजिट नहीं है, जितना भी होता है हम लोग -1 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा बार 1 पॉइंट। और फिर आप लोग 3 का लॉग देख लो, लेकिन 3 का लॉग आपको नहीं दिखेगा, तो आप 30 का लॉग देख लेना, अगेन 0। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी कमिंग ओवर हियर। लास्टली ये इजी है, बस मैंने वो ऐसे रखा हुआ है 113.598 कितने होल नंबर डिजिट्स हैं 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉइंट, एंड सी द लॉग ऑफ 1136। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा लॉग का वैल्यूज आएगा 4 डिजिट्स वाला, वो इधर तुम लोग लिख देना। दैट इज 11 अगेंस्ट 3 और 6 का मीन डिफरेंस ऐड कर देना। ठीक है, ये हो गया हाउ टू सी लॉग टेबल्स। नाउ हाउ टू सी एंटी लॉग टेबल्स, बिल्कुल उल्टा। आप लोग एंटी लॉग्स जो होते हैं सिर्फ इसका देखने का 0.6754 वो आप लोग देख लो, 67 अगेंस्ट 5 4 का मीन डिफरेंस, वो जितना भी आ जाएगा वो 4 डिजिट्स इधर लिख दो। और फिर सोचो यहाँ पे 2 है ना, तो इस डिजिट का वैल्यू 2 है, जितना भी वैल्यू होगा +1 कर देना, तो 3 डिजिट्स के बाद पुट द डेसिमल पॉइंट। ओके, ये हो गया। आगे एंटी लॉग ऑफ 0.067546, तो आप क्या करो एंटी लॉग 0.0675, आपको ये 4 डिजिट्स का 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर देने का, उससे बड़े लॉग टेबल्स अपने पास नहीं होते। तो 0.067 का इंटरसेक्शन सेल और 5 का मीन डिफरेंस ऐड अप करके यहाँ पे पहले 4 डिजिट्स लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर देने का, यहाँ पर 0 है ना, जितना भी 0 होता है इन दैट पर्टिकुलर केस, जितना भी वैल्यू होता है हम लोग +1 कर देते हैं, तो 0 है ना, तो 1 डिजिट के बाद पुट अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये वाला काम हो गया। 5.56 आप लोग पहले एंटी लॉग देखना ऑफ 0.56। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस 0.56 वो वाला एंटी लॉग आप लोग देख लेना। ठीक है, एक बार देख लोगे यहाँ पे 4 डिजिट्स जो हैं वो डाल देना। एक बार ये वाला चीज़ तुम लोगों ने डाल दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे देखना, यहाँ पे नंबर 5 है ना, अगर नंबर 5 है तो 6 डिजिट्स के बाद पुट अ डेसिमल पॉइंट, 1, 2, 3, 4, यू कैन ऐड 2 zeros एंड देन यू ऑल कैन ट्राई टू पुट अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, वो भी हो गया। अब ये लास्ट वाला थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये सपोज है बार 2.3568, तो आप पहले 0.3568 का एंटी लॉग देख लो, तो 4 डिजिट्स हम लोग को मिल जाएंगे। और फिर सोचना ये बार 2 है, मतलब ये -2 है, उसको ना +1 कर दो, हमेशा हम लोग +1 करते हैं, तो -2 + 1 कितना आ जाएगा -1। तो जितना माइनस बचा आप लोग क्या करो डेसिमल डालो, और जितना माइनस बचा उतने जीरोज और डाल देना। तो यहाँ जो था वो -2 था, +1 किया तो फिर भी -1 तो बच गया ना, तो उतने जीरोस आंसर। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 0.0 और फिर तुम्हारे 4 डिजिट्स है सच, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ये वाला चीज, दैट इज हाउ टू यूज एंटी लॉग टेबल्स। सो कभी कभी एग्जाम्स के ना लक विल फेवर यू ऑल्सो। व्हेन अगर आपको लर्निंग कर्व के टेबल्स दिए रहेंगे तो फिर आपको फॉर्मूला की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो आप अपने क्वेश्चंस चेक कर लो। कभी भी लर्निंग कर्व के टेबल्स दिए रहते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो एज इफ लर्निंग कर्व है भी नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज 1 यूनिट के लिए 2 आवर्स लगता है, तो सम ने पूछा 100 यूनिट्स के लिए कितना आवर्स लगेगा, तो अगर लर्निंग कर्व नहीं होता 100 यूनिट्स के लिए कितना आवर्स लग जाता, 200 आवर्स। लेकिन लर्निंग कर्व है ना, फिर वो वाला परसेंटेज भी अप्लाई कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। दैट विल बी गिविंग यू द आवर्स फॉर 100 यूनिट्स, ठीक है। दैट इज वन थिंग। आगे अभी वी आर ट्राइंग टू जस्ट रिलेट दिस चैप्टर विद द अदर चैप्टर्स, क्योंकि ना आपको इस चैप्टर के ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस कभी भी नहीं आएंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो कंबाइंड क्वेश्चन ही होंगे ऑफ दिस चैप्टर विद सम अदर चैप्टर। तो अगर कभी आपको कोई प्रोडक्ट का प्राइस निकालने के लिए दिया हुआ है और उसके लिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट यानी लेबर कॉस्ट भी तो आएगा, तो बाय डिफॉल्ट एक फंडा जरा याद रखना, वेन एवर वी नॉर्मली प्राइस अ प्रोडक्ट वी ऑलवेज फॉलो टोटल कॉस्ट प्लस। तो टोटल कॉस्ट प्लस के अंदर बेटा फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड कर देना। अगर नॉर्मल प्राइसिंग होएगा तो इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो, वो भी तो अपना कॉस्ट ही है। लेकिन जरा याद रखना, इफ अ स्पेशल ऑफर हैज कम एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू कोट द लोएस्ट देन फॉलो मार्जिनल कॉस्ट प्लस। सपोज ऐसा कुछ है, मेरा धंधा चल रहा था, सडनली एक कस्टमर आया, मेरे को लगता है लॉन्ग रन के अंदर ये वाला कस्टमर बहुत अच्छा होएगा हमारे लिए, तो आई वॉन्ट टू बी कोटिंग दिस गाय द लोएस्ट। इफ़ यू वॉन्ट टू बी कोटिंग दिस पर्टिकुलर गाय द लोएस्ट तो फिर फिक्स कॉस्ट मत डालना। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये वाला चीज़ याद रखना, अगर कभी तुम लोग मार्जिनल कॉस्ट प्लस फॉलो कर रहे हो और अगर कस्टमर तुम्हारे पास आता है, तो अगर तुम्हारा कोई ऐसा एक्सपेंस था ना, सेल्समैन कमीशन, फिर वो वाला एक्सपेंस मत लेना, क्योंकि अगर कस्टमर तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारा सेल्स कमीशन का खर्चा ही नहीं होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट बस वो याद रखना, ये तुमको एक्सटर्नल प्राइसिंग के अंदर भी काम में आ सकता है। आगे लर्निंग कर्व विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अभी ध्यान से सुनना, सपोज आपको स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है 100 यूनिट्स का, ठीक है, और आपको एक्चुअल डेटा दिया हुआ है 400 यूनिट्स का, ठीक है, और आपको एक और चीज वो बोला है लर्निंग कर्व ऑफ 90% विल अप्लाई, ठीक है, लर्निंग कर्व ऑफ 90% विल अप्लाई। और उन लोग ने ये भी बोला हुआ है 100 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 बैच। उन लोगों ने ऐसा ही बोला है 100 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 बैच। तो सुनो, सच्ची के अंदर कितने यूनिट्स बने, 400 यूनिट्स के लिए वो लोग तुमको बता देंगे आर स्किल्ड अनस्किल्ड और स्किल्ड सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का कितना कितना आर्स लगा, किस रेट के ऊपर पे किया, खर्चा कितने रुपीस का हो गया, वो लोग तुम लोग को बता देगा। नथिंग सो ग्रेट, ओके, वो बता देंगे। तो ऑनेस्टली अगर तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट 400 यूनिट्स था तो तुमको रिवाइज स्टैंडर्ड भी तो प्रिपेयर करना पड़ेगा 400 यूनिट्स का। जरा सोचो, अगर लर्निंग कर्व नहीं होता तो 100 यूनिट्स के लिए इतना आर्स, 400 यूनिट्स के लिए यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 4। लेकिन अभी ऐसा नहीं करना, क्योंकि सम के अंदर लर्निंग कर्व है। अगर लर्निंग कर्व है तो 100 यूनिट्स के लिए इतना आर्स, ठीक है, तो 400 यूनिट्स के लिए कितना आर्स। अगर सपोज लर्निंग कर्व का परसेंटेज 90% दिया हुआ है, अभी इनफैक्ट इट हैज बिकम वेरी इजी ऑल्सो, 100 यूनिट्स मैंने तुमको बोला इज इक्वल टू 1 बैच, तो 400 यूनिट्स विल बी इक्वल टू कितना बैच, 4 बैचेस। इज 4 इन सीरीज, यस, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो फिर तुम्हारा आंसर डायरेक्टली भी आ जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज 100 यूनिट्स के लिए स्किल्ड वर्कर्स को 1000 आवर्स लेना चाहिए था, ठीक है, तो अगर मैं लर्निंग कर्व अप्लाई करूँ तो एक बैच के लिए स्किल्ड वर्कर्स को कितना आवर्स लेना चाहिए था, 1000, ठीक है। ये तुम्हारा एवरेज आर्स है, एवरेज। एक मिनट, ये वाला चीज मैं फिर से लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बैचेस, यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज आर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल आर्स, ठीक है। तो एक बैच के लिए 1000 आर्स, लेकिन मेरे को 4 बैचेस का आंसर चाहिए, तो मैं डबल कर देता हूँ, whenever the things will double, apply learning curve. तो ये 90% है ना, तो ये कितना आ जाएगा 900, ये कितना आ जाएगा 1800. 2 का डबल कितना हो जाता है बेटा 4, ठीक है. 4 अगर होएगा तो फिर से 90% कर लो 810, तो यहाँ पर कितना आवर्स आ जाएगा 3240. तो फिर यहाँ पे 4000 आवर्स नहीं लिखना, फिर यहाँ पर कितने आवर्स लिख देना बेटा 3240. यहाँ पे 4 बैचेस था इसलिए फॉर्मूला के बगैर भी काम हो गया. अगर 4 बैचेस के बदले में सपोज 3 बैचेस होता तो फिर आप अपना फॉर्मूला यूज कर लो और आंसर निकाल लो, ठीक है. यार ना लर्निंग कर्व का परसेंटेज विल नॉट अफेक्ट दिस, दिस इज एक्चुअल डेटा. To convert this data into this data, you will require your learning curve का things as such, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, actual data will not be affected. Revised standard will be made with learning curve. Calculate variances like any other question. तो जो भी तुम्हारे labor के variances होते हैं, इधर solve कर लेना, ठीक है. Lastly, perfection stage in case of learning curve. Suppose कभी ऐसा हुआ, company ने ऐसा बोला, first unit बनाने के लिए 10 hours लगता है. और उन लोगों ने तुमको एक और चीज बोला, लर्निंग कर्व ना 25 यूनिट्स तक चलेगा. 26 यूनिट के बाद वर्कर्स विल रीच परफेक्शन स्टेज. तो 25 यूनिट के बाद वर्कर्स विल रीच अ परफेक्शन स्टेज. उसके बाद वो परफेक्शन स्टेज हमेशा चलता रहेगा. तो याद रखना लर्निंग कर्व जो है सिर्फ कितने यूनिट्स तक चलेगा 25. तो ऐसे केसेस के ना पहले क्या करना, 1 unit will be taking कितना hours बेटा 10 hours. First unit will be taking 10 hours. तो तुमको ऐसा बोला गया find out total hours for 50 units. Find out total hours for कितना units 50 units. तो याद रखना अभी 50 को ना हमें 2 हिस्सों के अंदर तोड़ देगा. कौन सा 2 हिस्सा? पहला 25 यूनिट जब तक लर्निंग कर्व चल रहा है और दूसरा 25 यूनिट जहां पर लर्निंग कर्व नहीं आने वाला बिकॉज वी हैव रीच परफेक्शन स्टेज. एक बार तो परफेक्ट हो जाएगा और आवर्स थोड़ी कम होता रहेगा. तो पहले आप क्या कर लो 1 यूनिट विल टेक 10 आवर्स, ठीक है. आप ये निकालो 25 यूनिट्स के लिए कितना आवर्स जाएगा. वो कैसे निकालने का अपना फॉर्मूला यूज कर लो. सर xy = ax raised to b + 1. a मतलब आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट बैच, x बोले तो 25, b विल डिपेंड अपॉन लर्निंग कर्व का परसेंटेज. ये सब कुछ कर लो, आवर्स वगैरह ये सब कुछ वो निकाल लो. एक बार तुम लोगों ने ये वाला फिगर निकाल लिया, व्हाट इज दिस? दिस विल गिव यू टोटल आवर्स फॉर 25 बैचेस. सॉरी, दिस विल गिव यू टोटल आवर्स फॉर 25 यूनिट्स, ठीक है. तो ये आ गया टोटल आवर्स फॉर 25 यूनिट्स. अभी वो लोग ने क्या बोला, जितना आवर्स का लर्निंग कर सकते थे 25 यूनिट्स तक हो गया और उसके बाद हर यूनिट को सेम टाइम ही लगेगा. उसका मतलब क्या है, जितना टाइम 25th यूनिट को लगता है उतना ही टाइम लग जाएगा फ्रॉम 26 टू 50 यूनिट्स, ठीक है. तो फिर क्या करो, ये वाला नंबर आपको क्या बता देगा टोटल आवर्स फॉर 25 यूनिट्स. आप अभी ना एक और बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, xy = ax raised to b + 1, लेकिन 10 × 24 raised to b + 1. ये सब कुछ सॉल्व कर लो. दिस विल गिव यू व्हाट टोटल आवर्स फॉर 24 यूनिट्स. इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना तो तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, आवर्स फॉर बोलो 25th यूनिट. बस एक बार तुमको वो मिल गया. तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था, सर वी वांट टू बी फाइंडिंग आउट टोटल आवर्स फॉर कितना यूनिट्स बॉस 50. दैट विल बी टोटल आवर्स फॉर फर्स्ट 25 यूनिट्स प्लस टोटल आवर्स फॉर नेक्स्ट 25 यूनिट्स. आवर्स फॉर द फर्स्ट 25 यूनिट्स तुमको इधर से मिल जाएगा एंड लर्निंग कर्व इधर नहीं अप्लाई होएगा. जितना टाइम 25th यूनिट के लिए लगता था उतना ही टाइम हर यूनिट के लिए लग जाएगा. तो तुम लोगों ने जब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट किया था, तुमको आवर्स मिल गया था फॉर द 25th यूनिट. वो वाला फिगर इधर लिख लो इनटू 25 यूनिट्स. बस दिस विल डायरेक्टली गिव यू द टोटल आवर्स इन दिस पर्टिकुलर केस फॉर द 50 यूनिट्स. ये एक कंसेप्ट याद रखना, whenever you will be reaching perfection stage, every new unit now will take same number of hours as compared to old unit. ठीक है, चलो तुम्हारा ये वाला जो काम है ये वाला काम तुम्हारा हो गया. So this chapter is all done of learning curve. Learning curve as I was saying independent question नहीं आएगा लेकिन किसी और chapter के साथ combine करके वो लोग तुम लोग को दे सकते हैं. So we have done the questions of learning curve with budgetary control, learning curve with standard costing, learning curve with capital budgeting, learning curve with external pricing. हम लोगों ने सारे chapters के question कर रखे हैं with learning curve. So Just one thing, revise it properly and then go. I'll see you all in the next lecture.